मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की रिटायरमेंट से वापसी होने वाली है। रिटायरमेंट दोनों ले चुके हैं लेकिन वापसी होगी। पीसीबी ने इन दोनों खिलाड़ियों से, जय वीरू से कॉन्टैक्ट किया है कि आपने जो जल्दबाजी में रिटायरमेंट ली है, हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं और आप ना रिटायरमेंट से वापसी ले लो, क्योंकि आगामी जो T20 विश्व कप होने वाला है ना, उसमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान कैसे विश्व कप जीतेगा, ऐसी ऐसी बातें पीसीबी ने कही। भाई मोहम्मद आमिर का तो पावर है, मोहम्मद आमिर का पावर है, इमाद वसीम का भी पावर है, इतना पावर है कि मतलब सबको इनके नीचे रहता है। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की पाकिस्तान क्रिकेट में फिर वापसी। मोहम्मद आमिर ने बिलाखिर फैसला किया है कि मैं पाकिस्तानी टीम में शामिल होऊंगा। मोहम्मद आमिर ने बहुत बड़ा शर्त रखा हुआ है पीसीबी से। क्या शर्त है, इस वीडियो में आखिर तक रहिए हमारे साथ ताकि आप लोग उस शर्त से बाखबर रह सकें। और इमाद वसीम के हवाले से भी बहुत बड़ा फैसला किया गया है, तो हमारे साथ वीडियो में आखिर तक रहिए ताकि आप लोग इन दोनों खिलाड़ियों के सेलेक्ट होने और पाकिस्तानी क्रिकेट में वापस आने पर खबर हो सके कि आखिर क्या फैसला हुआ है इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर। तो चले आगे बढ़ते और आप लोगों को पूरी वीडियो दिखाते हैं। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की रिटायरमेंट से वापसी होने वाली है। रिटायरमेंट दोनों ले चुके हैं लेकिन वापसी होगी। पीसीबी ने इन दोनों खिलाड़ियों से, जय वीरू से कॉन्टैक्ट किया है कि आपने जो जल्दबाजी में रिटायरमेंट ली है, हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं और आप ना रिटायरमेंट से वापसी ले लो, क्योंकि आगामी जो T20 विश्व कप होने वाला है ना, उसमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान कैसे विश्व कप जीतेगा, ऐसी ऐसी बातें पीसीबी ने कही। ठीक है, उसके बाद इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर के फैंस इतने ज़्यादा खुश हुए, इतने ज़्यादा खुश हुए, बोले देखा भाई मोहम्मद आमिर का तो पावर है, मोहम्मद आमिर का पावर है, इमाद वसीम का भी पावर है, इतना पावर है कि मतलब सबको इनके नीचे रहता है। हो सकता है कि इमाद वसीम ने फ्रस्ट्रेशन में लिया हो, जिस चीज़ से भी लिया हो, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन में लिया हो, जैसे भी लिया हो, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। अब वापसी करेंगे तो भी मुझे नहीं लगता कि टीम में जगह बनती है इनकी। इनकी जगह पे यार नए नए लड़के हैं यार तुम्हारे पास, है क्या इनका भाई, मेहरान मुमताज है, सूफियान मुकीम है, कितना अच्छा स्पिनर है यार तुम लोग के पास। इमाद वसीम ने पैसों की खातिर और अपना फ्यूचर देखते हुए रिटायरमेंट का बड़ा फैसला लिया। ये सवाल, ये चर्चा इसलिए तेज हो गई है क्योंकि पाकिस्तान के प्रीमियम ऑलराउंडर इमाद वसीम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उस वक्त के कप्तान के साथ जो उनके रिश्ते थे उसके चलते उन्हें बाहर बैठना पड़ा। और अब इमाद वसीम ने एक बड़ा फैसला किया है जिसमें उन्होंने आज इस बात का ऐलान किया कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं। उसको ग्रो करो ना यार, उनको इम्प्रूव करवाओ ना यार, उनको एक्सपोजर दो ना। तुम लोग के यहाँ पे यही चीज बड़ी गलती है कि यार एक प्लेयर स्टार बन गया ना, अब उसी का आपको ये लगने लगता है उसके अलावा कोई प्लेयर ही नहीं है। ऐसा नहीं होता मेरी जान, ऐसा नहीं होता। बाबर आजम एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल है क्योंकि उन्होंने रन्स इतने ज़्यादा किए हुए हैं, वो एक्सेप्शनल हो जाता है ना। लेकिन बाकी के प्लेयर तो देखो यार, बाकी चीज़ों को तो ठीक करो यार। वनडे में क्या है, ऊपर में आपका जो प्लेयर रहता है वनडे में, फखर जमानी मामूलक, उसमें से दोनों में से कोई ना कोई इनकंसिस्टेंट होता है। इमाद वसीम भारत की आईपीएल छोड़ के बाकी दुनिया की जितनी लीग होती है वहां वो जाते हैं, खेलते हैं। बीते कुछ सालों में उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस भी दी है। इस साल पाकिस्तान के लिए उन्होंने T20 क्रिकेट भी खेला था और अब जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू करेगा T20 वर्ल्ड कप को लेकर, तब इमाद वसीम का रिटायरमेंट का ऐलान करना ये थोड़ा सा हैरान करने वाली खबर है, साथ ही पाकिस्तान के अंदर अनस्टेबिलिटी को भी दर्शाती है। हालांकि इमाद वसीम जिस तरह से टीवी चैनल पर बैठकर ओपनली क्रिटिसिज्म कर रहे थे, उसके बाद ये कहीं ना कहीं एहसास था कि बहुत मुश्किल है क्योंकि इतना बेबाक बयानबाजी के बाद कोई खिलाड़ी टीम में आए, ऐसा बहुत। लेकिन इमाद को लेकर दूसरी थ्योरी भी आ रही है। दूसरी थ्योरी आ रही है कि इमाद वसीम जो है वो अबू धाबी T10 लीग थी, वहां खेलने जाने वाले थे। और इमाद पहले भी कई बार कह चुके हैं कि जब पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया था और बिना बताए उन्हें टीम से निकाल दिया गया था, तब वो दुनिया भर की लीग्स खेलना शुरू कर चुके थे और